हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और बुटज अभिक्रिया और बुटज फिटिंग अभिक्रिया। तो हम इसे तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करते हैं एमाइड से, और इसे करते हैं एल्किल हैलाइड डबल अणु से, और ये एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के अणु से सोडियम के साथ करने पर शुष्क एथर की उपस्थिति में करने से होती है। इन दोनों का डिफरेंस हम समझेंगे। पहला करते हैं हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, पहले देखते हैं तो हम ले लेते हैं बेंजे एमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में एमीन बनता है, तो हम जब इसके से करेंगे इसके अणु के साथ, तो इसके बनेगा 6H5NH2, ये हमारा एनिलीन बन गया। अब जब इसके ब्रोमीन के दौड़वा, अब पोटेशियम का एक है, तो इसके हम कर लेते हैं दो सा करेंगे तो हमारे कार्बन भी रह रहा है फिर, और ओ भी रह रहे हैं, तो इससे हम चार से करेंगे तो इसकी तो ये निकल जाएगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड के दौड़वा हैं और गए कितने हैं, दो, एक, तो इसके दो लगा दिए। अब पोटेशियम के दो गए हैं कितने, चार, अब और ओ कितने हैं हमारे पास, चार और एक पांच, तो इसके K2CO3 ये निकल गया पोटेशियम कार्बोनेट। प्लस हमारे पास बचे हैं अब 4H और 2O, तो ये निकल जाएगा 2H2O। ये होती है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसमें एमीन प्राप्त होता है। और बुटज अभिक्रिया, बुटज अभिक्रिया में यह होती है एल्किल हैलाइड के दो अणुओं के साथ सोडियम के साथ करने से शुष्क एथर की उपस्थिति में। तो हम एल्किल हैलाइड के दो अणु लेते हैं, चाहे तो मैथिल क्लोराइड ले लेते हैं। अब इसके दो अणु सीधे सीधे चाहे है ले लो, चाहे प्लस सोडियम प्लस द्वारों ऐसे करके ले लो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब इसके देख रहे हैं Na1 है Cl2 है, तो हम इसके दो से गुणा कर लेंगे तो हमारे निकल निकल जाएगा ये NaCl2। अब हमारे पास कितने दो कार्बन बचे, दो और छह H बचे, क्योंकि हो गया C2H5, एथेन प्राप्त हो गया हमें, ये एथ एन। अब इसके बुटज फिटिंग अभिक्रिया में पहला जो लेते हैं हम, पहला एल्किल हैलाइड का एक अणु, फिर एक एरिल हैलाइड, एक एरिल हैलाइड बेंजीन समूह लेते हैं, जिससे कि ये होती है, और ये होती तो सोडियम के साथ ही, और होती भी इसी प्रकार है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, पर इसके एक अणु बदल जाता है, जैसे कि C2 एल्किल हैलाइड का मैथिल क्लोराइड प्लस Na प्लस बेंजीन, क्लोरोबेंजीन ले लो। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अब इसके फिर से Na1 का Cl2 है, दो से गुणा कर दो, NaCl2 निकल गए, वो इसके क्या निकल जाएगा, टोलुइन, ये आ गया हमारा टोलुइन। ये हमारे इस प्रकार होती है हमारी ये तीनों अभिक्रिया। तो वीडियो में रहिए, और इसी प्रकार और अभिक्रिया हम इसी प्रकार बताएंगे। थैंक यू।